वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलिना वीकोवर हैशटैग आर्टवाला और मैं हूँ आर्टवाला। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि गर्ल्स में तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। जब भी हम अपने हेयर स्टाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें लगता है कि हमारे पास स्ट्रेटनर होना चाहिए, हमारे पास कर्लर होना चाहिए और आजकल जो हेयर स्टाइल्स हो रहे हैं उसमें क्रिम्पर भी ऐड हो गया है। जब भी हम कोई भी ब्राइडल हेयर स्टाइल करते हैं या किसी पार्टी के लिए हेयर स्टाइल करते हैं तो उसमें क्रिम्पिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्रिम्पिंग से क्या होता है, बाल हमारे मैनेजेबल हो जाते हैं और बहुत ईजिली जो है हेयर स्टाइल उसमें बन पाता है। जब भी हम हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कर्लर, क्रिम्पर जब भी हम सर्च करते हैं ऑनलाइन अमेजोन पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ भी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत से नेगेटिव रिव्यूज़ भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ भी होते हैं, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कौन सा लें, कौन सा प्रोडक्ट ना लें। तो आज मैं आपके साथ यही जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली हूँ। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ वो है, ये है वो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है वेगा का 3-in-1 हेयर स्टाइलर। इसमें ये 3-in-1 हेयर स्टाइलर है, इसमें 2-in-1 भी आता है जिसमें कर्लर प्लस स्ट्रेटनर होता है, बट मुझे क्रिम्पर भी चाहिए था तो मैंने इसको मंगाया। इसमें क्रिम्पर है, स्ट्रेटनर है एंड कर्लर है। अभी मैं आपको इसका डेमो भी दिखाऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है, ये अच्छा है नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिव्यूज़ में तो आप देखोगे तो कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं। तो अगर हम रिव्यूज़ के भरोसे जाएं और फिर हमें ये भी लगता है कि जब हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो अगर चीज़ अच्छी ना आए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। इसका जो प्राइस है वो है 1360, मतलब ये मुझे 1360 में पड़ा है और ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, कार्डबोर्ड की इसकी पैकेजिंग है और इसका कलर बहुत ही अच्छा है। इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है पावर LED इंडिकेटर, इजी लॉक सिस्टम एंड 360 स्वाइवल कॉर्ड, 360 जो कि 360 रोटेट हो जाती है। अभी वैसे मैं इसको खोल के देखूंगी तो पता चलेगा कि इसमें है। सबसे पहले इसके बॉक्स पे देख लेते हैं कि हमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो बॉक्स का फ्रंट है उस पर लिखा है वेगा 3-in-1 हेयर स्टाइलर स्ट्रेटनर कर्लर एंड क्रिम्पर। इसका जो मॉडल नंबर है वो है VXS001, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसके जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं वो हैं पावर LED इंडिकेटर, इजी लॉक सिस्टम एंड 360 डिग्री स्वाइवल कॉर्ड। 2 ईयर्स की इसकी वारंटी के साथ आता है। बॉक्स पे इसका MRP लिखा है 1799, बट इसका जो एक्चुअल प्राइस जो मुझे मिला है जो अमेजोन पे प्रोवाइड है वो है 1360। ये है ये प्रोडक्ट, ब्लैक एंड गोल्डन कलर में आता है जो कि देखने में तो काफी अच्छा है। इसके ऊपर इसका ब्रांड का नेम लिखा है वेगा। और अगर हम इसकी वायर लेंथ की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी है। ये वाला जो बटन है इसको अगर हम राइट साइड में ऐसे पुश करेंगे तो हमारा क्रिम्पर ओपन हो जाता है। अब हमने इसको ऐसे दबाया और इस वाले बटन को अपने लेफ्ट साइड में प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद हमारा स्ट्रेटनर ओपन हो जाता है। ये देखिए, स्ट्रेटनर में और क्रिम्पर में और कर्लर में सभी में सेरेमिक प्लेट्स हैं जिससे कि हमारे बालों का डैमेज होना थोड़ा कम हो जाता है। ये ही है एक बटन जो कि हर स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। अब हम इसको अगर ऐसे ओपन कर देंगे तो ये तीनों चीज़ देखिए, ये है क्रिम्पर, ये स्ट्रेटनर, और अगर इसको बंद करके जब हम करेंगे तीनों को तो ये आ जाएगा हमारा कर्लर का काम करेगा। इसकी जो वायर की लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब आप थोड़ी दूर पर भी अगर आपका स्विच बोर्ड है तो आप वहाँ पे जाके और इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 360 स्वाइवल कॉर्ड है जो कि बहुत ही अच्छी है। इससे पहले मैंने जो अपने कर्लर और स्ट्रेटनर जो मैंने लिया होता वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में किसी भी वीडियो में, उसमें ये चीज़ नहीं दी हुई थी 360 स्वाइवल कॉर्ड। जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इसके रिव्यूज़ जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें बुकों में लिखा हुआ था कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है,
ये सच बात है कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, टेम्परेचर को सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन यकीन मानिए मेरे पास इससे पहले भी दो मैं हेयर स्टाइलर यूज़ कर चुकी हूँ, उसमें अवेलेबल है जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो दिया हुआ है, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम जाता है 210 तक। लेकिन जब भी हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो हमें हीट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उसको भी मैं मैक्सिमम टेम्परेचर पे ही करके यूज़ करती हूँ। तो इसमें टेम्परेचर दिया हो ना दिया हो क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर दिया होता तब भी आप मैक्सिमम तक ले जाते हो उसको और फिर उसके बाद ही ये काम कर पाता। कम टेम्परेचर पे वो कम गर्म होता है तो स्टाइलिंग आ नहीं पाती। बेसिकली ये मैंने क्रिम्पर के लिए लिया है, तो मुझे लगा एक तो मुझे मैं इधर उधर आती जाती रहती हूँ तो मुझे ऐसा चाहिए था ट्रैवल फ्रेंडली। अब इसमें मेरे तीनों काम हो जाएंगे, मैं इससे स्ट्रेटनिंग भी कर सकती हूँ, कर्लिंग भी कर सकती हूँ और क्रिम्पिंग भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको मंगाया। अदरवाइज मैं सिंपल एक क्रिम्पर ही मंगाती हूँ। अब देखिए ये कैसे ओपन होता है। इस बटन को जब हम लेफ्ट साइड में प्रेस करेंगे तो स्ट्रेटनर ओपन हो जाता है। अब इसको करिए बंद, इस बटन को अब राइट साइड में प्रेस करना है। राइट साइड में प्रेस करते ही हमारा क्रिम्पर ओपन हो जाता है। आप क्रिम्पर की प्लेट्स देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत ये वाला दिखाऊंगा अगर मैं, वो ब्लैक में तो शायद ना नजर आए अच्छे से। ये वाले हिस्से का देखिए, गोल्डन क्रीमिश का कलर है, बहुत सुंदर है, कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जो है प्लेट्स में जिगजैग जो लाइन होती है, इससे जब हेयर को हम क्रिम्प करते हैं तो वो ऐसे ऐसे थोड़ा वेवी टाइप हो जाता है, और जिनके बाल बहुत कम है उनको स्टाइलिंग करने के लिए क्रिम्पर बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनमें बाउंसीनेस आ जाती है थोड़ी। तो ये प्लेट्स देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी हैं, सेरेमिक कोटेड है तो वैसे भी बहुत। आप कलर कैसे यूज़ करना है, ये तो राइट और लेफ्ट करके हमें बटन को हमने प्रेस किया और हो गया। इन तीनों को करिए बंद और ये जो बटन है इसको बिल्कुल सेंटर में ले लीजिए। ये देखिए सेंटर में करने के बाद ये हो गया ओपन, यहाँ से आप अपने कर लीजिए। और हाँ, हमेशा जब भी ये गर्म हो जाता है तो इसका ये जो मिडल हिस्सा है ये हमेशा बहुत गर्म हो जाता है, तो इसलिए आपको कहाँ से पकड़ना है ये और ये। आपको जब भी हेयर स्टाइलिंग करनी है तो आपको इन दोनों हिस्सों को पकड़ना है क्योंकि ये नहीं गर्म होते हैं, बाकी ये मिडल हिस्सा जो है गर्म हो जाता है। अब मैं इसको ऑन करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने स्विच बोर्ड में लगा दिया है और ये देखिए ये जो लाइट है ये LED लाइट ऑन हो चुकी है। अब ये कुछ ही सेकेंड में जो है गर्म हो जाएगा और आप इससे कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको हेयर स्ट्रेटनर यूज करके दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे इस बटन को करना है लेफ्ट साइड में प्रेस। ये प्रेस करते हुए के लिए ओपन हो गया। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20-30 सेकेंड्स लगता है इसको गर्म होने में। अब जब भी आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग जो टूल है वो जब भी आप अपने बालों पर यूज करें, या तो आप हेयर सीरम लगा लीजिए या फिर एक आता है हीट प्रोटेक्टर, कोई भी स्प्रे आप वो लगा लीजिए। ट्रेस्म का हेयर स्प्रे वैसे बहुत अच्छा है। अब ये हो चुका है गर्म और मैं आपको इससे बाल अपने स्ट्रेट कर देता हूँ। हमेशा स्किन से थोड़ा दूर रखें, ये देखिए यहाँ से पकड़ो और यहाँ से पकड़ो और बस स्ट्रेटनर भी काफी अच्छा काम करता है। अब करते हैं आप क्रिम्पर यूज। क्रिम्पर यूज करने के लिए मुझे ये वाला बटन राइट साइड में दबाना है। इस बटन को मैंने राइट साइड में दबा दिया तो इधर आ गया। अब ये हो गया हमारा क्रिम्पर ओपन। हमने अपने फ्रंट सेक्शन लेके और ऐसे बालों को पकड़ के क्रिम्प करते टाइम हमें क्या करना है, थोड़ी देर ऐसे रखा कुछ सेकेंड के लिए, फिर उस जगह से हटा के जहाँ पे हमने फर्स्ट जो हमारी लास्ट क्रिम्पर की प्लेट्स छोड़ी थी उसके आगे से उसको क्रिम्प करते जाना है।
पर काफ़ी अच्छा काम करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और सेक्शन लेके दिखाती हूँ प्रिंट करके, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि स्ट्रेटनर करने तो हम मोस्टली यूज़ कर ही लेते हैं। क्रिम पर आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे से इसने बालों को क्रिम किया है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कर्ला। कर्ला के लिए हमें क्या करना है, ऐसे बंद करना है और ये जो बटन है इसको बिल्कुल सेंटर में करना है, ना राइट ना लेफ्ट। ये हो गया हमारा कर्ला। अब कर्ल करने का भी एक देखिए, ये स्ट्रेट है बाल और ये क्रिम है, तो दोनों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। स्ट्रेटनर भी इसका काफ़ी अच्छा है और इसका क्रिम्पर भी काफ़ी अच्छा है, दोनों साइड से देखते हैं। अब मैं आपको कर्ल करके दिखाती हूँ कि कर्ल कैसे करना चाहिए। सबसे पहले ये सेक्शंस पकड़िए, बिल्कुल मिडल में इसको लगाएं और ऐसे करें, थोड़ा सा हमने रोल किया और इसको खींच लिया। अब फिर से थोड़ा सा रोल किया और फिर से हमने यहाँ, जब तक लास्ट तक बाल नहीं आ जाते तब तक हमें इसको ऐसे ही करते रहना है, रोल देन पुल। अब इसको कुछ सेकंड के लिए हम ऐसे ही रखेंगे। और जब भी आपको पकड़ना है ये और ये, अब कुछ सेकंड के लिए छोड़ दीजिए और जब हम इसको कटाते हैं कितना प्यारा कर आया है। कर्ल करने का एक यही तरीका है जिससे कि आप बहुत ही सुंदर कर्ल पा सकते हैं। बहुत ही शानदार कर्ल्स आए हैं। तो अभी देखें, पहले मैंने बालों को आपको स्ट्रेट करके दिखाया था, वो भी बहुत अच्छे से हुए थे। फिर मैंने आपको बालों को क्रिम्प करके दिखाया था, क्रिम्पिंग भी इसने बहुत अच्छे से की है। अब अगर आपको इनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना है या इनको बहुत देर तक होल्ड करना है तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले कोई भी आप अपना क्रिम्पर कर लीजिए, चाहे कर्लिंग कर लीजिए चाहे कुछ कर लीजिए। उसके बाद आपको लेना है एक स्प्रे, वो स्प्रे का मैं रिव्यू भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। वो स्प्रे होता है अपने जो हेयर है उनको होल्ड करने के लिए स्प्रे होता है। अब जैसे मैंने कर्ल किए और मैं इस पर साथ के साथ अगर मैं स्प्रे कर दूँगी तो ये जो मेरे हेयर हैं जो मैंने स्टाइल किया है वो 6 से 7 घंटे तक कहीं नहीं जाने वाला, या काफ़ी टाइम तो ऐसे होता है कि इतने अच्छे हेयर स्प्रे आते हैं कि वो आप नेक्स्ट वॉश तक, जब तक आप वॉश ना करें तब तक वो कहीं नहीं जाते हेयर स्टाइल। वो देखिए, अब मैंने आपको तीनों चीज़ों को इसको यूज़ करके दिखा दिया है, इससे क्रिम्पिंग भी करके दिखा दिया, इससे स्ट्रेटिंग भी करके दिखाई है और इससे मैंने आपको कर्लिंग भी करके दिखाई है। आप ये वाला जो प्रोडक्ट है आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इसके जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो आप अगर उस पर ध्यान ना दें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा, वेगा के प्रोडक्ट वैसे भी अच्छे होते हैं और काफ़ी टाइम क्या होता है कि प्रोडक्ट तो जेन्यून है ये वेगा का, लेकिन कई बार वेंडर ऐसे हो जाते हैं जो आपको चीट कर देते हैं और आपको लोकल प्रोडक्ट दे देते हैं। उस टाइम आपको क्या करना है, आपको इसको यूज़ करके देखना है। अगर आपको नहीं लगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप उसको तुरंत रिटर्न के लिए डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन लेने के बाद आपके साथ धोखा हो जाएगा, ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा और एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मेरा मन करता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ, आपके लिए रिव्यूज़ लेकर आऊँ। और आपके ही प्यार से मैं यहाँ पर हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।
यू सो मच।